वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से यूएस एड पाकिस्तान के मिशन डायरेक्टर रीड एस चेलीमैन की मुलाकात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़रात, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, तालीम और सेहत के शोबों में तआवुन को फ़रोग़ देने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब और यूएस एड के दरमियान डेवलपमेंट पार्टनरशिप बढ़ाने पर इत्तफाक। यूएस एड की जानब से क्लीन एनर्जी और स्मॉल डैम्स की तामीर के हवाले से तआवुन की यकीन दहानी। यूएस एड पाकिस्तान के मिशन डायरेक्टर की जानब से पंजाब और कैलिफोर्निया को स्टेट करार देने के मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त का खैर मकदम। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि यूएस एड पंजाब हुकूमत का एक बेहतरीन डेवलपमेंट पार्टनर है। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए यूएस एड के साथ तआवुन को मजीद बढ़ाएंगे। अगले 5 साल के लिए यूएस एड की नई ग्रोथ हिकमत अमली के तहत मुस्तकबिल में तआवुन बढ़ाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद फवाद गफार सोमरू म्यूनसिपल कमिश्नर फाखर शाकर की हिदायत पर इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट शकील कुरैशी की निगरानी में अमले की लतीफाबाद 10/9/11 के डबल रोड पर कार्रवाई। ग्रीन बेल्ट पर खड़ी ख़राब गाड़ियों और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स वालों की जानब से खड़ी की जाने वाली गाड़ियों को हटवा दिया गया। इंचार्ज इंक्रोचमेंट लतीफाबाद शकील कुरैशी की गाड़ी मालकान और वर्कशॉप मालकान को तंबी। आइंदा ग्रीन बेल्ट पर खड़ी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस की मदद से तहवील में लिया जाएगा। शकील कुरैशी इसी तरह दूसरी कार्रवाई में एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने कार्रवाई करते हुए 12 रबीउल अव्वल चौक पर खड़े ठेले और स्टॉल वालों को रोड एरिया से हटवाया और चौक को क्लियर करवाया। मार्केट पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात फरोश गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। डीएसपी मार्केट रसूल बख्श सयाल की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर मोहम्मद खान बरहमानी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए ओपीडी चाड़ी के करीब से मुनशियात फरोश गैंग के 2 करिंदों को शराब सप्लाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त अली अब्बास उर्फ बिल्लू शेख और जुहेब चंद के नाम से हुई। एएसआई राव फरहत का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुलजम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के कब्जा से 1 अदद पिस्टल, 9 मोबाइल और असलहा गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंचराबाद थाना की हदूद में मोबाइल फ़ोन छीनने वाला बदनामे जमाना जराइम पेशा जावेद नामी मुलजम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजम के कब्जा से दौरान वारदात छीने गए मोबाइल फ़ोन बरामद और 1 अदद पिस्टल बमा गोलियाँ बरामद करके मुकदमा दर्ज लिया गया। लाड़काना पुलिस का इलाका थाना बाकरानी की हदूद में डाकू से मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त खादम उरफ हुसैन बख्श खोखर के तौर पर हुई। हलाक डाकू खादम उरफ हुसैन बख्श खोखर गुज़श्ता कई बरसों से सरगर्म गैंग लीडर, लाड़काना रेंज, कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में संगीन नौयत के दर्जनों जराइम में मुलव्वस रहा। बिलखसूस गुज़श्ता चंद माह के दौरान लाड़काना शहर में कैश डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस और 2 माह कबल थाना सिविल लाइन्स की हदूद में डकैती के दौरान हाजन जुनेजो के कत्ल केस में भी मुलव्वस था।